वार करने की हिम्मत रखते हैं। आज पूरा देश इस घटना की वजह से, हमारे 41 जवानों के शहीद होने की वजह से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। अपने आप लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस तरह की पूरे देश में जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं, और जिससे बात करो उसी का खून खौल रहा है। इस टाइम सारा देश जात पात धर्म से ऊपर उठ के इस वक्त संगठित है, राजनीति से ऊपर उठ के सारा देश संगठित है, और सारा देश इस वक्त पाकिस्तान को मजा चखाने के मूड में है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि अगली बार अगर पाकिस्तान ऐसा हमला करे तो उसको 4 बार सोचना पड़े कि अब मैं हमला करूंगा तो उसकी मेरे को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी पाकिस्तान को लगता है कि हमला कर दो कुछ नहीं होगा, रोज हमारे जवान मरते हैं। पूरा देश इस वक्त पाकिस्तान को हमला, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों, मैं ये देख रहा था हमारे जो 41 शहीद हुए, उत्तर प्रदेश से 12, राजस्थान से 5, पंजाब से 4, बिहार से 2, उत्तराखंड से 2, महाराष्ट्र से 2, तमिलनाडु से 2, झारखंड से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 1, उड़ीसा से 2, केरला से 1, आसाम से 1, जम्मू कश्मीर से 1, मध्य प्रदेश से 1, वेस्ट बंगाल से 2। दोस्तों, ये 41 जवान शहीद नहीं हुए, ये हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है। हमारे देश के ऊपर हम चुप नहीं बैठ सकते, इसका जवाब देना पड़ेगा, और कठोरता से कड़ाई से इसका जवाब देना चाहिए। और इसमें सारी राजनीति से ऊपर उठ के सारा देश केंद्र सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है, हमारी सेनाओं के साथ है, हमारे जवानों के साथ है। और हम आज इस मंच से अपनी केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, जो कदम आप उठाओगे सारा देश आपका समर्थन करेगा, सारा देश आज आपके साथ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है, सब लोग एक साथ हैं, लेकिन सब लोग बहुत ही कड़ा कदम चाहते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को यह आदत पड़ गई है कि कुछ भी कर लो उसकी कोई कीमत नहीं है। उनको पता चलना चाहिए कि अगर वो 40 लोगों को करेंगे तो हम 10 गुना लोगों को उनको कीमत चुका सकते हैं, उनके 10 गुना लोगों को हम भी शहीद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये पढ़ रहा था, शहीद अवधेश यादव जो इस हमले में शहीद हुए, अवधेश यादव चंदौली के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। उनकी मां को कैंसर है, मां कैंसर से जूझ रही है, मुगल सराय के रहने वाले हैं, 4 भाई बहन हैं, 3 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल का बच्चा था, और इस घटना के 3 दिन पहले अपनी छुट्टी से ड्यूटी पे लौटे थे। बताओ इनका क्या कसूर था, पीठ पीछे इनके ऊपर हमला हो गया, इनके परिवार का क्या कसूर है? शहीद महेश कुमार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, इनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। हमले से 2 दिन पहले छुट्टी से ये ड्यूटी पे लौटे थे जम्मू कश्मीर के लिए। इनके गांव वाले इनको हीरो कहा करते थे, जांबाज सिपाही था। और अभी 2017 में, 1.5 साल पहले इन्होंने फौज ज्वाइन करी थी, सीआरपीएफ ज्वाइन करी थी। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, 5 साल का एक बेटा और एक 6 साल का बेटा। इनके परिवार का क्या कसूर था?
शहीद संजय कुमार सिन्हा पटना से, इनकी बेटी शादी लायक थी और ये अपनी वाइफ को कह के गए थे कि मैं महीने भर बाद छुट्टी लेके आऊंगा और इस बार आने के बाद तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक अपनी बेटी की शादी पक्की ना कर जाऊं। अपनी पत्नी बबीता देवी से उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद छुट्टी लेके आऊंगा और बेटी की शादी पक्की करके जाऊंगा। शहीद रोहताश लांबा जयपुर राजस्थान से, इनकी बेटी 3 महीने पहले पैदा हुई थी और 3 महीने से ये घर नहीं गए थे, इन्होंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा। 3 महीने की बेटी थी, 3 महीने की बेटी का इन्होंने मुंह भी नहीं देखा। हमले से थोड़ी देर पहले इन्होंने फोन पे अपनी पत्नी से बात की थी, मंजू देवी जी से, और उन्होंने कहा कि ड्यूटी पे जा रहा हूं, अभी हम सारे ट्रक पे बैठ के ड्यूटी पे जा रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए पिछले एक दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, पानी भी नहीं पिया, बस चाय पी है। और अपनी पत्नी को बोले कि बच्चों का ख्याल रखना, उनका 2 साल का बेटा है। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट देहरादून उत्तराखंड से, इनकी अभी 6 मार्च को शादी होनी थी, शादी फिक्स हो गई थी, अभी 6 मार्च को शादी होनी थी और उनके पिता अपने गांव में शादी के कार्ड बांट रहे थे जब उनको अपने बेटे के शहीद होने की खबर आई थी। दोस्तों, मैंने तो केवल 5 ही शहीदों की कहानी आपके सामने रखी है, 41 के हर शहीद की यही कहानी है। एक आम परिवार से आता है, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप उसके ऊपर निर्भर हैं, बीमार हैं, बेटी की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। दोस्तों, इतनी मार्मिक कहानियां हमारे शहीदों की हैं। मेरा अपना ये मानना है, इन लोगों ने जो शहादत दी है, इनकी शहादत व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इनके परिवार वालों के साथ धोखा हो जाएगा, पूरे देश के साथ धोखा हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, इनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। मेरे मन में 3 बात आती हैं। पहली चीज, इनकी शहादत का बदला लिया जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। इस बार पाकिस्तान को ऐसा मजा चखाना चाहिए कि अगली बार वो हिम्मत ना करे। अगर इस बार ये नहीं किया गया तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अगर इस बार ये नहीं किया गया तो इनके परिवार के साथ धोखा हो जाएगा। कई परिवारों से जब बातचीत की गई तो वो भी यही कह रहे हैं, जी इसका बदला लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों ने शहादत किस लिए दी? इन्होंने शहादत आपके लिए दी है। आज आप सुरक्षित हो, आज आप अपने परिवार को पाल रहे हो, आज आप रोजी रोटी कमा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि बॉर्डर के ऊपर ये हमारे जाबाज सैनिक अपनी जान कुर्बान करके आपको सलामत रखे हुए हैं। दोस्तों, ये जितने सैनिक बॉर्डर के ऊपर हमारे देश के लिए लड़ मर रहे हैं, ये किस लिए लड़ मर रहे हैं? इन सब का सपना एक ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें सबको अच्छी पढ़ने की सुविधा मिले, जिसमें अच्छे अस्पताल हो, जिसमें सबको अच्छा इलाज मिले, जिसमें हर किसान को अपनी फसलों का मुआवजा मिले, जिसको अपनी फसलों के पूरे दाम मिले, अच्छी सड़कें हो, अच्छे अस्पताल हो, बिजली हो, पानी हो। ऐसे भारत का सपना हर शहीद देखता है। आज से 70 साल पहले जब हमारा भारत आजाद हुआ था, हमारे भारत की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दी थी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खान हो, जिन लोगों ने शहादत दी थी, सबने ऐसे भारत का सपना देखा कि आजाद होने के बाद हर किसान खुश होगा, हर मजदूर खुश होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, दुनिया का 1 देश बनेगा, अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे। लेकिन आज 70 साल के बाद
उनका सपना अधूरा है दोस्तों। आज जब हम श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठे हुए हैं उन 41 शहीदों की याद में, आज हम सब लोगों को कसम खानी चाहिए, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, हम सारे जने मिलके पार्टी बाजी से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, एक देश बन के इस देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे दोस्तों। अगर हम सारे जने ऐसा शपथ लेते हैं तब इन शहीदों को असली श्रद्धांजलि मिलेगी। और तीसरी बात, जब एक बॉर्डर के ऊपर सैनिक शहीद होता है वो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमानों के लिए शहीद हो रहा हूं, मैं हिंदुओं के लिए शहीद हो रहा हूं, मैं जाटों के लिए शहीद हो रहा हूं, मैं बनियों की सुरक्षा के लिए शहीद हो रहा हूं। जब एक हमारा सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है वो सारे जात के लोगों के लिए, वो बनियों की सुरक्षा के लिए भी, जाटों की सुरक्षा के लिए भी, सैनियों की सुरक्षा के लिए भी, पंडितों की सुरक्षा के लिए भी, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए भी, सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान देता है दोस्तों। वो किसी एक धर्म और किसी एक जात के लोगों के लिए जान नहीं देता। और हम लोग अपनी पूरी दिन ब दिन की जिंदगी में अपनी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, हम अपनी जात और धर्म से ऊपर ही नहीं उठते। हम रोज जात और धर्म की बात के अंदर, ये मेरी जात का, वो उस जात का, ये मुसलमान, ये हिंदू। अगर हम इसी तरह से अपने देश के अंदर बटे रहे, यही पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हम सारे लोग बटे रहे। जिस दिन हम लोग एक हो गए, जिस दिन हम लोग हिंदुस्तानी हो गए, जिस दिन हम लोग भारतीय हो गए, इस देश को भाई साहब दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, अपने मन से ये जाति और धर्म का जहर निकाल दो। हम वोट डालने जाते हैं, यो जाट है जी, यो जाट का जाट, मैं तो जाट हूं, मैं जाट ने दूंगा, मैं नॉन जाट हूं, मैं बनिया ने दूंगा, मैं करते हैं कि नहीं करते? गलत है ये। जो भी अच्छा कैंडिडेट है, जो भी अच्छी पार्टी है, उसको वोट दो, जाति और धर्म के नाम पे वोट मत दो। अगर आप ऐसा करोगे तब उन 41 शहीदों को असली सम्मान मिलेगा, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी दोस्तों।